ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथैम्पटन मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला नहीं जनाब, महामुकाबला है और इस महामुकाबले में भिड़ने के लिए तैयार है भारतीय क्रिकेट टीम और सामने है न्यूजीलैंड टीम। दोनों टीमें किसी भी हालात में ये मुकाबला जीतकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनना चाहेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत फाइनल में पहुंचा है तो इसका राह भी बिल्कुल आसान नहीं था। पहले ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर हराना, उसके बाद अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को बचा कर रखना वाकई में मुश्किल काम था। खैर, भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, जिसके सपने पाकिस्तान जैसे देश देखते हैं। खैर, भारत फाइनल में पहुंचे और पाकिस्तान को मिर्ची न लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारतीय क्रिकेट टीम को सलाह देने का काम कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम में फाइनल मुकाबले के लिए सवाल तो ये उठाते ही है, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर भारत को फाइनल में जीतना है तो हमारी सलाह पर काम करना होगा। विराट कोहली को दे रहे हैं सलाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आखिर ऐसी क्या बात आ गई है कि अब पाकिस्तान की सलाह लेनी पड़ रही है भारत को? आखिर भारतीय क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान सवाल क्यों खड़े कर रही है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। वैसे हम आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में बादशाह की जंग लड़ने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोनों ही इंग्लैंड पहुंच चुकी है। ये पहला मौका होगा जब वनडे और टी20 के तर्ज पर ही टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अब करीब दो साल तक चले मैचों के बाद फाइनल का वक्त आ गया है। फाइनल फाइट 18 जून से साउथैम्पटन में लड़ी जाएंगी। मुकाबला होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी इस समय आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 2 टीम पर है। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि भारत ये चैंपियनशिप जीतकर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने में कामयाब होगा। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को सन 2017 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल और 2019 में आईसीसी वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर रमीज राजा ने कोहली को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सर, विव रिचर्डसन को देखें, वो हमेशा बड़े मौके पर प्रदर्शन करते हैं। कोहली के लिए WTC फाइनल शतक जमाने और भारत को ट्रॉफी दिलाने का एक शानदार मौका होगा। वो पहले से ही दिग्गजों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन भारत को WTC ट्रॉफी में विजय बनाने में उनकी कामयाबी को एक और आयाम जोड़ेगा। ये कोहली के लिए ऑल टाइम ग्रेट्स में क्लब में प्रवेश करने का एक शानदार मौका है। उनके पास ऐसा करने की क्षमता है, उन्हें सिर्फ परिस्थिति के अनुसार अपने टैलेंट को मैनेज करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोहली को कप्तान के रूप में पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है तो उन्हें अपनी प्रतिभा को सही तरह से मैनेज करना सीखना होगा। राजा ने साथ ही कहा कि कोहली की तरह फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने भी कोई बड़ी ट्रॉफी देश के लिए नहीं जीती है, लेकिन विराट कोहली को वो सलाह दे रही है। सलाह उनकी यह है कि अपनी प्रतिभा को सही तरह से मैनेज करना सीखे। रमीज राजा की इस बात से आप कितना एग्री करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।